हेलो एवरीवन, फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नई नोटिफिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन लेके, जहां पे हम आज देखने जा रहे हैं कि एसएससी जेई के कुछ ऐसे चीजें जहां पे आपका फॉर्म क्या हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है। सो आज हम लोग जल्दी से इसके बारे में बात करेंगे कि आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है अगर आप एसएससी जेई 2023 के लिए फॉर्म भरने जा रहे हैं तो। सो क्या कारण है फॉर्म के रिजेक्शंस के, फॉर्म के रिजेक्शंस में कौन कौन सी कारण बाधाएं, कौन कौन सी बाधाएं आती हैं, उसको हम लोग जरा देख लेते हैं जिनकी वजह से आपका क्या होता है, फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। सो चलिए, पहली अगर मैं बात करूं कि पहला कारण क्या है, दैट इज फोटो। पहला रीजन जो आपके पास है फोटो। फोटो का डायमेंशन और क्राइटेरिया एसएससी जेई प्रॉपर मेंशन करके देता है कि भैया आप ऐसा रखिए, इसके पास आपके पास ये डायमेंशन होना चाहिए, ये आपके पास क्राइटेरिया है कि 20 केबी से 50 केबी के बीच में होना चाहिए। और दूसरी बात, इन्होंने कहा है कि यहां पे जो डायमेंशन है वो कितना होना चाहिए, 3.5 सेंटीमीटर विड्थ और 4.5 सेंटीमीटर इसका हाइट होना चाहिए। आप एक बार ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए एसएससी जेई के नोटिफिकेशन में 10.3 को जरूर देखिएगा और 10.4 को भी एक बार जरूर देखिए। फोटो कभी ब्लर ना रखिएगा, फोटो में कभी आप चश्मा ना लगाइएगा। आपको सीधा सीधा ये कहा गया है कि आपको फोटोग्राफ शुड बी विदाउट कैप स्पेक्टल्स, मतलब आपके पास ऐसा ना हो कि आप चश्मा लगा के फोटो खींच रहे हो और टोपी पहन के आपने फोटो खिंचवाया हो, है ना। द फ्रंट व्यू फेस होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपने सेल्फी लेते हुए ऐसे करते हुए हीरोपंती करते हुए आपने फोटो खिंचवा रखी है, ऐसा नहीं, कॉउबॉय नहीं बनना है। सो आपको एकदम फॉर्मल वे में सारी चीजें यहां पे रखनी है, ठीक है। बिफोर सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट द फोटोग्राफ इज अपलोडेड एट एज पर इंस्ट्रक्शन, जैसे इंस्ट्रक्शन दिया गया है वो इंश्योर हो जाइए कि फोटो अपलोड हो गया है, तभी आप ये समझिएगा कि आपका फॉर्म क्या होगा, रिजेक्ट नहीं होगा, ठीक है। दूसरी अगर मैं बात करूं, दूसरा क्या होता है, सिग्नेचर की वजह से भी कभी कभार क्या होता है, फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। सो इन्होंने प्रॉपर एक दिया है कि भैया ये आप 10 से 20 केबी के बीच में रखिएगा और इसकी विड्थ 4 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर के बीच में, विड्थ 4 सेंटीमीटर और हाइट कितना होना चाहिए, 2 सेंटीमीटर होना चाहिए। द एप्लीकेशन ब्लर सिग्नेचर विल बी रिजेक्टेड, अगर आपका ब्लर सिग्नेचर होगा तो वो कैसा होगा, रिजेक्ट क्या हो जाएगा आपका फॉर्म, ठीक है। अगली अगर हम लोग बात करें तो डेट ऑफ एज और डेट ऑफ बर्थ और एज का क्राइटेरिया। सो आप अपना एज रिलैक्सेशन वगैरह देख लीजिए, आपका डेट ऑफ बर्थ यहां से हो रहा है आपके पास, इसको इंश्योर कर लीजिए कि आप इससे ज्यादा तो नहीं हो रहे हैं। अगर आप इससे ज्यादा हो रहे हैं तो आप देख लीजिए, अगर आपके पास कैटेगरी है कुछ तो उस हिसाब से अगर आपको कोई रिलैक्सेशन मिल रहा है तो उसको आप मेंशन कर लीजिए, उसके सर्टिफिकेट्स वगैरह बनवा लीजिए। जैसे 5 साल, 3 साल, 10 साल, 13 साल, 15 साल का रिलैक्सेशन हर जगह हर एक कैटेगरी को मिला हुआ है। सो इन सभी का आप सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, जरूरत पड़ने पर डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपको ये सारी चीजें रखनी होंगी, है ना। दूसरी चौथी बात कि आप कभी भी इस तरह का सैल्यूटेशन वर्ड्स ना यूज करिए, जैसे MR, MS, MRS, है ना। आप अपना सिंपल नाम लिखिए, जैसे वो कहते हैं फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। फादर्स का भी ऐसे ही और मदर का भी ऐसे ही नाम लिखिए, अदरवाइज फॉर्म का रिजेक्ट होने का एक कारण ये भी होता है। दूसरी बात, विजिट द ऑथेंटिक वेबसाइट। ऑथेंटिक वेबसाइट को जरूर विजिट करिए, हम आपको यहां पे बता दे रहे हैं। यहां पे आपके पास ये आपको लिंक यहां पे मैं मेंशन कर दे रहा हूं, https ऐसे लिखा हुआ है ना, ssc.nic.in, है ना, .nic.in। यहां पे आप जाएंगे तो यहां पे ये ऑथेंटिक वेबसाइट है, अदरवाइज आपके साथ फ्रॉड हो सकता है और आपको लगेगा कि भैया हमने तो सब कुछ किया, एसएससी जेई ने हमारे साथ फ्रॉड कर दिया। नहीं, फ्रॉड आपके साथ हुआ है। सो सबसे पहली बात कि आप ऑथेंटिक वेबसाइट पे जाके ये सारा काम अपने फॉर्म को फिल करिए और पेमेंट को फुल करिए, ठीक है। दूसरी बात, इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स, अपने डॉक्यूमेंट्स को भैया पूरा कंप्लीट करवा लो, कभी कभार इसकी वजह से भी आपका क्या होता है, रिजेक्शन हो जाता है। जैसे कि फी का पेमेंट भी पूरा करिए, है ना। अगर आपने फी पेमेंट नहीं किया है तो फॉर्म आपको एज रिजेक्टेड हो जाएंगे, मतलब आप फॉर्म भर लिया है और आपने पेमेंट पूरा नहीं करते हैं तो यहां पे क्या हो जाता है,
रिजेक्ट हो जाता है। आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट है किसी भी कैटेगरी से आप आते हैं तो उसको आप क्या करिए, उसका डॉक्यूमेंट फुलफिल करवा लीजिए। जैसे एग्जाम्पल में कहा गया है एक कैंडिडेट एक्स जो ओबीसी से है एप्लीकेंट फॉर्म को भरता है, अगर वो आपका क्या करता है ओबीसी एज पर नोटिस एग्जामिनेशन ऑफ द टाइम एंड डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन एट एनी स्टेट, यानी अगर वो ओबीसी का सर्टिफिकेट किसी भी समय आपसे मंगवा सकते हैं अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, अगर आप नहीं लाते हैं तो उसे क्या माना जाएगा, एक्स विल बी कैंसिल्ड बाय द यूजर ऑर्गेनाइजेशन और ऑफिस, वहां से उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। मतलब आप अपने डॉक्यूमेंटेशन को भी क्या करिए, फुलफिल रखिए, ताकि आपका डॉक्यूमेंटेशन अगर फुल रहेगा तो आपका रिजेक्ट होने का, रिजेक्ट आप नहीं होंगे एसएससी जेई द्वारा। ठीक है, लास्ट अगर मैं बात करूं लास्ट डेट क्या है, सो लास्ट डेट तो यहाँ पे 16/8/2023 लिखा गया है, यानी 16 अगस्त 2023 को आपका लास्ट डेट है। फिर भी मैं आपसे कहता हूं अपने डॉक्यूमेंटेशन पूरी करवा लीजिए और जल्द से जल्द इस फॉर्म को फिल कर लीजिए, और आपसे कहता हूं 2 से 3 दिन के अंदर, 2 से 3 या जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी, मैं आपको कहूंगा कि 10 तारीख तक, 10 अगस्त तक आप इस फॉर्म को फिल कर लीजिए, क्योंकि लास्ट में वेबसाइट स्लो हो जाती है, इस वजह से भी आपका रिजेक्शन हो सकता है। ठीक है, चलिए, सो ये कुछ 6-7 बातें थी जिसको आपको ध्यान में रखते हुए आप अपने फॉर्म को फिल करिएगा, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द एसएससी जेई एग्जामिनेशन फॉर बोथ द पेपर 1 एंड 2। विजयी भव।